हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो अभी हम पुणे से निकल रहे हैं, जाने के लिए टाइम लगेगा 10-12 घंटे। सो अभी टाइम हुआ है शाम के 6:30 और यहां से अभी सापुतारा में रुकेंगे और वहां से कल मॉर्निंग में 5-6 घंटे रेस्ट करके स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जाएंगे। बीच में 2-3 जगह पे रोड क्लोजर है, सो पता नहीं कैसे होगा क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। सो लेट्स गो। रात में ट्रैफिक कम होने की वजह से गाड़ी का स्पीड अच्छे से मेंटेन हो रहा था। पुण्यापासून मी आता झाला आहे जवळपास आपल्याला 1 तास डिनर जे आहे ते आपण मिसळ आणि ही मंडळी जी आहे इथे एकदम मस्त फ्रेंडली आहे। त्यांचं हॉटेल आहे इथे शकुंतला हॉटेल म्हणून आहे। हॉटेल कसं भेटेल शकुंतला आहे का चलो। नाशिक में मैं यूं ही पहुंच गया। उसके बाद में रोड जो है वो थोड़ा नैरो हो गया था, बट रात में ट्रैफिक न होने की वजह से रोड फटाफट कवर हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर के पास सापुतारा में एक पेट्रोल पंप पे यहाँ पे आके रुक गया। हेलो गाइस, अभी जो है महाराष्ट्र की हद यहाँ पे ख़त्म हुई है थोड़ी देर पहले, और अभी ये आगे जैसे ख़त्म होता है तो एक पेट्रोल पंप आता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं रुका हूँ। ये अपना सेटअप है आज का। लेट्स गो इनसाइड। सो जाते हैं। लगभग रात का 1:00 टाइम है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 6:45। कल रात को यहाँ पे रुका था पेट्रोल पंप पे। सो अभी यहाँ से गाड़ी को थोड़ा पेट्रोल डाल के निकलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। बीच में जाते समय अभी यहाँ पे सापुतारा में एक व्यू पॉइंट है, सनराइज पॉइंट, वो देख के आगे निकलेंगे। सो लेट्स गो। चलो भैया, थैंक यू सो मच। चलो भाई लोग। सो यहाँ से मैं सनराइज पॉइंट पे आया हूँ। सनराइज तो यहाँ पे देखने के लिए 1 घंटा रुकना पड़ेगा। यहाँ से पूरा रास्ता है वो ऊपर, वहाँ पे जाना है हमें पॉइंट पे, और इधर से आए हैं हम। सो लेफ्ट साइड इधर वो सनराइज पॉइंट है यहाँ पे। सो वहाँ पे रुकेंगे तो बोट वेट करना पड़ेगा। ये पहाड़ के पीछे से होता है सनराइज। सो लेट्स गो अप। एक्चुअली ये सीन जो था सुबह सुबह का एकदम सुंदर था, बट कैमरा नॉर्मल होने की वजह से जो है आपको इसमें इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट वो जो फीलिंग था वहाँ का, दैट वाज रियली नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे ये जो पॉइंट है सनराइज पॉइंट, यहाँ से आपको सापुतारा का मस्त व्यू मिलता है। सुबह सुबह गॉड का दर्शन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो ऑब्वियसली ये टेम्पल दिखा तो यहाँ पे दर्शन लेके निकला हूँ। यहाँ पे एक ये नाश्ता का दुकान था। गुजरात में पोहो बहुत सर्वोच्च है। इट वाज रियली गुड। सो ये रोड देख रहे हो, क्या मज़ा आ रहा था। ऐसे रोड पे आपको आपका सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जो अपना स्पीड लिमिट है वो मेंटेन करना होता है,
और स्लो चलाओ यार, मतलब जो लिमिट दिया है वो लिमिट से चलाओ और मज़े ले लो रोड के, जर्नी के, एकदम मस्त आपको लगेगा। अकेले रहते हो तो थोड़ा सोचने के लिए भी राइड करते समय टाइम लगता है, कभी कभी हम अपने जोन में चले जाते हैं, तो ऐसी जगह पे थोड़ा सा हमने अलर्ट रह के गाड़ी चलाना है। ये बीच में जो है एक छोटा सा शॉर्टकट था, यहाँ से मैं गाड़ी डाल के ये किया, रोड क्रॉस किया। अभी ये रोड क्रॉस करके मैं आया हूँ, सी दिस इज़ द ब्यूटी। एक्चुअली मोस्ट ऑफ़ द लोगों का इसके बारे में कहना है कि इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से स्टैचू ऑफ यूनिटी थोड़ा सा ये नहीं होता है, बट एनीवे गाइस लेट्स सी द व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। फाइनली यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का राइट साइड से व्यू देख के मैं फिर से रिटर्न आ रहा हूँ। एक ब्रिज लगता है, यहाँ से आप अंदर आ सकते हो। काफ़ी लाइक 4-5 किलोमीटर से पहले ही आपको ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो है पूरा व्यू देखना चालू हो जाता है। ऑब्वियसली इस वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, इसका हाइट जो है 182 मीटर है। बाहर गाड़ी पार्क करके बैग वगैरह रख के मैं अंदर आया हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ बाहर, जस्ट ओवरऑल नॉर्मल चेक किया। अंदर आने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर वो टिकट वगैरह आपका स्कैन करते हैं। एक्चुअली मुझे लेट हुआ था मेरा टिकट का टाइम, बट उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो एडजस्ट कर लिया। ये जो पूरा वॉकवे रहता है यहाँ पे, और ऑब्वियसली आप वॉक करके जा सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आपको चलने की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे एक मूविंग वॉकवे भी है जहाँ पे आप जस्ट खड़े रहो और बाकी इधर उधर देखते हुए एंजॉय करते हुए अपने आप मूव होते रहोगे। ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, सो आप ये जो मूविंग वॉकवे है इसका बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि आप थकोगे नहीं, और थकोगे नहीं तो ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। ये अभी मैं आया हूँ यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो इनका बेस है पैर का, यहाँ पे अलग अलग टिकट्स रहते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो है अंदर पूरा एकदम 5-स्टार होटल की तरह एकदम मस्त बनाया है। थैंक यू। ये अभी इस बंदे ने सिक्योरिटी स्कैन किया, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पे व्हीलचेयर का भी एक्सेस अवेलेबल रहता है, सो अगर कोई रहता है आपके साथ में तो आप उपयोग कर सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ व्यूइंग गैलरी में। व्यूइंग गैलरी में जाने के लिए जो है यहाँ पे लिफ्ट है, 32nd में ये आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर तक लेके जाता है। 45th फ्लोर पे ये उनका व्यूइंग गैलरी है। ये एक्चुअली उनके चेस्ट में है। यहाँ पे आने के बाद में आपको अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन किया है, ये कैसे स्टैचू खड़ा किया है, अंदर का हिंजेस वगैरह सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। बाहर से सरदार डैम का जो व्यू है यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है, और ऊपर जो है इनका स्टाफ वगैरह रहता है जो कि आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। जाली जैसा जो पार्ट है, जैकेट का पार्ट है, चेस्ट लेवल पर दोनों बाजू आउटर पार्ट जो है, शोल्डर के ऊपर जो शॉल है उसका पार्ट है, बीच में जो दिखाई दे रहा है सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है, ऊपर से सेकंड और नीचे से फोर्थ नंबर का बटन दिखाई देगा, ऊपर जो सर्कल दिखाई दे रहा है जैकेट का बटन है,
उसका डायमीटर है 1.1 का, उसका डायमीटर है सेकंड और थर्ड बटन के बीच में, ये व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। जब आप नीचे जाते हो तो सेकंड और थर्ड बटन के बीच में देखोगे तो जाली जैसा पार्ट नजर आएगा। बाहर का जो मटेरियल है उसमें 85% कॉपर और 55% टीन जिंक ऑलरेडी यूज किया है, लंबे समय तक जंक ना लगे, इसलिए पैर से लेकर सिर तक 6,500 अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। हर एक पार्ट्स को नंबर दिए गए जो आपको येलो टैग में दिखाई देंगे। इन फ्यूचर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो खाली अपने उसके नंबर से इजीली रिप्लेस कर सके, इसलिए टैग दिए गए। 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज क्लियरिंग करने में आए बाहर का आवरण, जिसे स्टैचू के कपड़े कह सकते हैं। अंदर का जो आवरण है व्हाइट कलर का, स्ट्रक्चर है स्टील है, 6,000 मेट्रिक टन है जोर। जो लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में चलती है, जो 38 सेकंड में आपको 45th फ्लोर पर लेके आती है पर सेकंड फ्लोर मीटर। इसके ऊपर दूसरा 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज, लेफ्ट साइड है विंध्याचल पर्वत रेंज, दो पर्वत रेंज के बीच में सामने सरदार सरोवर डैम। कभी आपको यहाँ से मार का व्यू देखना है, उसके ऊपर इंटरनेट सकते हैं, पीछे का बैक व्यू, नीचे व्यू है, उसके पैरों के पास जाना है। तो यही टिकट में आपका इंक्लूड है वैल्यू ऑफ पावर। काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ फैक्ट्स है जो मुझे पता नहीं थे इसके बारे में, तो ये उन्होंने बताया अभी। सो अभी मैं यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ वगैरह लिया, एंजॉय किया, और अभी जा रहे हैं हम नीचे। फ्लोर पे एकदम प्रॉपर LEDs है, इट्स लाइक अ ह्यूज बिल्डिंग, क्या कंस्ट्रक्शन बनाया है एकदम सही अंदर से। और ये इंटेंशनली आपको यहाँ पे अंदर से देखने के लिए उन्होंने प्रॉपर ग्लास वगैरह लगाया है, सो दैट यू कैन सी ऑल द, मतलब यहाँ पे पूरा आप ये जो है हिंजेस वगैरह उनका अंदर का सिस्टम आप देख सकते हो। ये बैक व्यू है, बैक व्यू से आप नर्मदा नदी का ये पात्र देख सकते हो, और हम जहाँ से आए हैं ये रास्ता इधर से है करके आपको यहाँ उनके बसेस जो रहती है वो लेके आती है, या टू व्हीलर है तो आप टू व्हीलर खुद से लेके भी आ सकते हो। बारिश के वक्त यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह भी होता है। अभी पानी यहाँ पे जो व्यूइंग गैलरी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे भी आप उधर तक थोड़ा बहुत इधर उधर ये कर सकते हो। अभी लिफ्ट से मैं जा रहा हूँ नीचे, काफ़ी बड़ा लिफ्ट है, आई गेस लगभग 26 लोगों का कैपेसिटी है। और बेस्ट पार्ट की ये 30 सेकेंड में आपको ऊपर से नीचे लेके जाता है, नीचे से ऊपर लेके जाता है, सो दैट इज़ वेरी गुड। नीचे आने के बाद में यहाँ पे बेसमेंट में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन लगाया है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में फैक्ट्स बताए हैं, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और ये जो है अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका अपने हिस्ट्री में कैसे उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, कैसे लोगों का यूनिटी किया, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताए। एक जगह पे आपको ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह है, यहाँ पे आपको उनकी जो उस वक्त के जो फुटेज थे वो भी आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलते हैं, वो बैक टू बैक प्ले होते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मतलब गाइड के लिए बहुत सारे वन्य जीव के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और साइड में जो है काफ़ी अच्छे से गार्डनिंग वगैरह किया है। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे सेल्फी पॉइंट किया है, सो दैट आप काफ़ी अच्छे से फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। लिफ्ट से हम जो है ऊपर जो गैलरी है चेस में, यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को लगभग डेली 10,000 लोग विजिट करते हैं ऑन एन एवरेज। ये टिकट घर है, मेरा बैग वगैरह ले लिया यहाँ से, और अभी यहाँ पे लास्ट रात में लेज़र शो होता है, वो आपने मेक श्योर कि अटेंड करोगे। ये मेरे से इसका टिकट नहीं मिला था, तो कोई नहीं टिकट नहीं मिला था, बट यहाँ पे एक पार्किंग है उनका, वहाँ से भी आपको सेम विजिबिलिटी मिलता है। ऑडियो इतना अच्छे से नहीं आता है, बट स्टिल यू कैन एन्जॉय द लेज़र शो। ये लगभग 30-40 मिनट्स का लेज़र शो रहता है,
आप मस्त नर्मदा नदी के जो नर्मदा नदी के साइड में बैठ के ये लेजर शो देख सकते हो। भारत माता की। ये लेजर शो जो है आप इनका हिस्ट्री क्या क्या कैसे बना है उसके बारे में बताएं। उसके बाद में बाजू में एक मैनमेड ये बनाया है उन्होंने गार्डन पूरा फ्लावर्स का वगैरह। सो छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं तो आप उनको वहाँ से वहाँ पे लेके जा सकते हो। अगेन मतलब आपको क्या अच्छा लगता है इट्स के ऊपर आप एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद में हम निकले गाड़ी लेके रात में जो ब्रिज वगैरह था वहाँ पे लाइटिंग वगैरह एकदम मस्त लग रहा था। कल रात को महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर सापुतारा में रुका था, नींद अच्छे से हुआ नहीं था और लॉन्ग राइड की वजह से थोड़ा सा थक चुका था। सो इसलिए अभी आया हूँ नीलकंठ धाम टेम्पल जो कि 40 किलोमीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। 9 बजे तक ये चालू रहता है। सो यहाँ पे प्रॉपर गुजराती थाली लेके खाना खाया और यहाँ पे टेंट अलाउ नहीं था बट यहाँ पे बेड लेके रेस्ट किया। ये लास्ट डे था 2021 का और देखते हैं 22 का हमारा पहला डे कैसे चालू हुआ सनराइज हो रहा है इधर इन डे टू वीडियो में। धन्यवाद। सो हम जाएंगे वॉक करके